अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी है मोमोज। हम लोग आज स्टीम मोमोज बनाएंगे, ठीक है, एंड फ्राई मोमोज भी। तो कभी कभी स्टीम मोमोज में ना, जब हम लोग स्टीम करते हैं तो नीचे का पेस्ट ना फट जाता है। एंड हमें मोमोज बनाने के लिए ना 3 वेजिटेबल्स की ज़रूरत पड़ती है। चलो रेसिपी शुरू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पैन को हीट अप कर लिया एंड 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल ऐड कर दिया। जब ऑयल हीट अप हो जाएगा देन मैंने ऐड कर दिया 1 टेबल स्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसे अच्छी तरीके से ना ब्राउन होने दीजिए। देन मैंने अनियंस डाल लिया, टोमेटो, कैरेट एंड कैबेज। उसे अच्छी तरीके से ना मिक्सअप कर लीजिए। देन मैंने ऐड किया 1 टेबल स्पून ऑफ साल्ट, 1 टेबल स्पून ऑफ रेड चिली पाउडर एंड उसे अच्छी तरीके से मिक्सअप कर लीजिए, ठीक है। देन मैंने उसमें ऐड कर दिया गरम मसाला। अगर आपके पास गरम मसाला नहीं है देन आप ना पाव भाजी मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने रोटियां बना लिए हैं, इट्स 20 अप्रॉक्सीमेटली 20 बना लिए एंड थोड़े से छोटे छोटे बनाए ताकि वो बहुत क्यूट दिख रहे थे। देन मैंने जल्दी जल्दी से सारे फिलिंग कर ली एंड मैंने एक छन्नी ले ली ताकि मुझे स्टीम करना है एंड उसमें ऑयल लगा लिया। आप 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डाल सकते हैं या 1/2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। देन मैंने ना कुकर में थोड़ा सा पानी ले लिया, बस आधी प्याली, ठीक है। एंड जब वो हीट अप हो गया मैंने वो छन्नी रख दी। आफ्टर 15 मिनट्स मेरे मोमोज रेडी है। बिकॉज हम लोग ऑयल नहीं लगाते हैं, इस गलती की वजह से आपके मोमोज चिपक जाते हैं, ठीक है। फ्राई करना आसान होता है एंड मैंने ना इसमें इमली की चटनी ऐड कर दी है। लिंक बायो में रहेगा या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो ये रहा मेरी मोमोज की रेसिपी। जज़ाकअल्लाह। इफ़ यू लाइक इट कमेंट।